हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपने अपने घर में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो इधर मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए चलते हैं, आज का व्लॉग स्टार्ट कर लेते। तो सुबह का काम है एक्सरसाइज करना और इधर मैं कर रही हूँ कपालभाति। तो कपालभाति हमारे शरीर सिस्टम को मजबूत बनाकर गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी समस्याओं में राहत देती है। कपालभाति प्राणायाम जो लीवर, पैनक्रियाज के साथ दिल के कार्य में भी सुधार करता है। तो कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है कपालभाति से। तो कपालभाति बहुत ही धीरे धीरे और आराम से करेंगे और इसे 10 से 15 मिनट करेंगे और धीरे धीरे हम इसे बढ़ा के 15 मिनट 20 मिनट कर सकते हैं। तो शुरू शुरू में हम 5 मिनट करेंगे, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसे हम कर सकते हैं। तो मैंने इधर किया है 15 मिनट। उसके बाद मैंने पानी गर्म करके रखी थी पहले से, तो वो पानी ग्लास में रखी थी इसलिए गर्म है। तो मैं बैठे अभी पानी को आराम से बैठ के पी लूँगी, उसके बाद बाकी घर का काम करूँगी। तो पहले आराम से बैठ के पानी वगैरह पी लेते। तो मैं भी पी रही हूँ और हस्बैंड को भी दे दिया, तो हम दोनों बैठ के पी रहे और बातें कर रहे हैं। तो किसने ज़्यादा एक्सरसाइज किया वही बातें कर रहे हैं। और बाकी एक बार देवांश को उठाना है और स्कूल भी भेजना है इसको, तो अभी वो सो ही रहा है। तब तक हमें एक्सरसाइज वगैरह हो गया है हमारा, तो पानी भी पी लिया। उसके बाद हम जाएंगे मुँह हाथ धो के। सुबह ही धो लिया हम था मुँह हाथ धो। उसके बाद मैं आऊँगी खाना बनाने के लिए। तो जो भिंडी है रखा है तो पहले मैंने इसको काट लिया, उसके बाद मैं बना रही हूँ भिंडी की भुजिया। तो जो काफ़ी ज़्यादा ही देवांश को पसंद आता है भिंडी और रोटी सब्जी, तो इसको मैंने टिफ़िन वगैरह कर दे दिया और चले गए देवांश स्कूल। उसके बाद जो भी बिस्तर वगैरह है तो मैं इसको ठीक कर लेती हूँ। तो सुबह का काम है तो फटाफट से कर लेते। और हम अगर सुबह टाइम निकल के अगर एक्सरसाइज कर लिया ना, तो पूरा दिन मन मतलब इतना खुश रहता है और काम करने में भी बहुत ही एनर्जेटिक रहता है। तो अगर सुबह हमने एक्सरसाइज करके गर्म पानी पी लिया तो पेट भी बहुत ही साफ मतलब पेट भी साफ रहता है, तो और काम करने में भी ना बहुत अच्छा ही लगता है। और जिस दिन मतलब हम नहीं करेंगे, मन सुस्त सुस्त रहता है। तो इसी के साथ फिर घर जो भी कपड़ा वगैरह था तो मैंने भिगो दिया था, अभी नहाने जाना है। तो इधर कमरे की साफ़ सफाई कर लेते हैं और बाहर भी कर लिया है झाड़ू, बाहर भी लगा दिया है। उसके बाद पोछा वगैरह लगा के जो भी कपड़ा मैंने भिगोई थी तो वो सब धो देंगे। धोने के बाद मैं आ गई किचन में और अभी थोड़ा सा चाय बना लेते। चाय में मसाला वाला चाय बनाया है मैंने, लौंग इलायची डाल के, और इसमें गुड़ थोड़ा सा डाला है और चाय पत्ती भी बिल्कुल थोड़ा सा डाला है, और थोड़ा सा मखाना भून लिया चाय के साथ खाने के लिए। तो बहुत ही अच्छा लगता है मखाना और चाय। उसके बाद चाय पीने के बाद जो भी कपड़े वगैरह धुल के रखी थी तो ये डाल देते, क्योंकि बारिश का कोई ठीक नहीं है, किसी भी टाइम बारिश आ सकता है। तो जितना जल्दी हो सके कपड़े वगैरह हम धो के डाल सकते हैं, डाल देते हैं। अगर हल्का हल्का भी सूख जाता है ना तो घर कमरे में भी डाल सकते हैं। तो इधर कपड़ा वगैरह सब मेरा मैंने डाल दिया और बाकी खाना जो बनाना है तो उसके बाद अभी बना लूँगी। और हवा भी चल रहा है ना, तो इसी वजह से और ज़्यादा जल्दी कपड़ा वगैरह सूख जाएगा। और इधर मैंने सब्ज़ी काट लिया है और इसमें प्याज व्याज एक साथ ही डालूँगी। तो कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करके फिर जीरा डाल के मैंने डाल दिया है सब्ज़ी। तो सब्ज़ी को अच्छे से भून के फिर हल्के आँच में रखी हूँ। और ये मैंने सुबह ही भिगो दिया था सूजी और थोड़ा सा मट्ठा, उसके साथ मैंने सूजी को भिगो दिया था, मतलब एक साथ मिक्स करके रख दिया था। थोड़े मतलब 3-4 घंटा हो गया है और फूल गया अच्छे से। और उसमें मैंने डाला है अभी थोड़ा सा नमक और एक प्याज और हरी मिर्च काट के डाला है, और अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। और ये ना बहुत ही खाने में बहुत ही टेस्ट होता है और देवांश भी बहुत अच्छे से खाता है। तो कढ़ाई मैंने तवा ले लिया, तवा में
तेल दे दिया और तेल ना अच्छे से गर्म हो गया और अच्छे से मैंने फैला भी लिया है। तो इसके बाद मैं डाल देती हूँ, दो ही चम्मच डाला है तो अच्छे से फैला लूँगी। और इसको ना ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, ज़्यादा पतला करेंगे तो ये तवे से निकलेगा नहीं, तो मोटा मोटा ही रखेंगे और इसको ऐसे ही फैला देंगे, ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे, चारों तरफ फैला देंगे, बराबर रखेंगे। और एक ही बार में तेल डाला है, इसमें ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे। और कम तेल में अच्छा सा पराठा बन जाता है सूजी का, बहुत ही खाने में बहुत ही स्वाद आता है, आप लोग भी ट्राई करना, बहुत मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चे भी खाते हैं और हम जैसे कि देवांश भी खाता है और हम लोग भी खाते हैं। तो ये सब्जी के साथ खाते भी है और ऐसे ही सूखा भी खाते हैं, तो ये अच्छे से आसानी से भी निकल जाते, मतलब आसानी से निकल गया है और कोई दिक्कत नहीं होता। अगर तवा अच्छे से गर्म करेंगे ना वो आसानी से निकल जाता है। तो अच्छे से हमारा ये बन गया है पराठा, सूजी का पराठा। तो इसमें आप जितना भी सब्जी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, तो मैंने एकदम कम ही मतलब खाली प्याज ही डाला है, टमाटर भी डाल सकते हैं, तो हमारे पास टमाटर है नहीं तो मैंने डाला नहीं, ऐसे ही बना रही हूँ। तो और एक डाल दिया था तो ये बन के रेडी हो गया है और हमारा सब्जी भी तैयार हो गया। तो अब मैं निकाल लेती हूँ थाली में, तो इधर सब्जी भी बन गया, तो एक प्लेट थाली में निकाल लेती हूँ। कितना अच्छा, ये भाजी या दाल वगैरह से भी खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, खट्टा खट्टा। और अचार आप ऑप्शनल है, आप ले सकते हैं या नहीं, तो मैं अचार के साथ खाऊंगी। तो ये इधर हमारा थाली लग गया। उसके बाद खाना खाने के बाद जो भी बर्तन वगैरह है तो मेरा धुल गया है और कढ़ाई में ना वही सब्जी रखा हुआ है, तो मैंने अभी खाली नहीं किया है क्योंकि चावल वगैरह अभी बनना है दोपहर का। तो ऐसी कढ़ाई में रख दिया और दाल भी बनाऊंगी, तो कढ़ाई अभी धोऊंगी नहीं, बाद में ही धो लूँगी। और उसके बाद खाना वगैरह दोपहर का हो गया था, फिर मैं शाम को ना ये गैस फैन को मैंने तेल, इसमें ना तेल चिपक जाता है तो हर हफ्ते मैं ये साफ़ कर लेती हूँ। तो एक कपड़े में ना थोड़ा सा शैम्पू ले लिया और इसको ज़्यादा गीला नहीं किया, हल्का सा गीला करके फिर गैस फैन को ना मैं ऐसे साफ कर लेती हूँ। और इसमें ना बहुत ज़्यादा तेल चिपक जाता है, तो अच्छे से पोंछ लूँगी और आसपास भी ऐसे जम जाता है ना धूल, ओ तेल तेल, तो मैं अच्छे से साफ कर लिया। फिर शाम को मैगी बनाई हूँ, तो ये इसमें ना सब्जी वगैरह डाल के फिर मैगी बनाई हूँ, प्याज और सब्जी वगैरह डाल के अच्छे से भून के उसके बाद मैंने पानी डाल के फिर मैगी बनाई हूँ। और ये मैगी ना बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।